कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह द्वारा संघ पर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह को संघ के खिलाफ बोलने की बीमारी हो गई है। वे जब भी बोलते हैं आतंकवाद और नक्सलवाद के समर्थन में बोलते हैं। बटला कांड पर भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। ऐसे में देश में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन सभी को दिग्विजय सिंह के बयानों की जांच करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने संघ को रावण कहा था, लेकिन जनता जानती है कि असली रावण कौन है और इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिल गया है। दिग्विजय सिंह जी को एक बीमारी है कि हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बोलते हैं और आतंकवाद और नक्सलवाद के समर्थन में बोलते हैं। मेरा सारी जांच एजेंसियां जो इस देश के अंदर हैं, जो विभिन्न चाहे NNI हो चाहे CBI हो, वो विभिन्न जाँच कर रही है, चाहे वो बटला कांड की हो चाहे वो बेकरी कांड की हो, इसके समर्थन में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिए हैं उनकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने जब जब ऐसा कोई बयान दिया है जो आतंकवाद के समर्थन में हो, जो नक्सलवाद के समर्थन में हो, जो दंगे के समर्थन में हो, तब तब दंगे हुए हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के सारे बयानों की जांच देश की सारी एजेंसियों को करना चाहिए। बटला कांड के दौरान भी उन्होंने जो बयान दिया था उसको हाईकोर्ट ने जिस तरीके से नकारा है उससे उनको समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और इसलिए वोट की राजनीति के कारण कुछ भी बयानबाजी करना ये दिग्विजय सिंह जी की आदत में है। उन्होंने जिस प्रकार संघ को रावण कहा है, डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर देश की जनता तय करती है कि रावण कौन है। इस विधानसभा में भी तय कर दिया, आने वाले लोकसभा में भी देश की जनता तय कर देगी कि रावण कौन है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आप केवल दिल्ली तक सीमित है, वहां उनका बड़ा लीडर था, लेकिन देश के अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है, जिस कारण आपसे डरने या किसी प्रकार की प्रतियोगिता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देश भर में केवल नरेंद्र मोदी की चर्चा है, सर्वे में भी मोदी नंबर एक पर है। आप, मुझे लगता है कि दिल्ली तक ही सीमित है, देश के अंदर आपका कोई, क्योंकि लीडर लेस है। दिल्ली में तो लीडर थे केजरीवाल, पर देश के अंदर अभी कोई लीडर नहीं है। और जहाँ तक आपके समर्थक या वोट देने वालों का सवाल है, यदि आप उनसे पूछेंगे कि दिल्ली में आपने आपको वोट दिया, केंद्र में किसको देंगे, सब कहेंगे नरेंद्र मोदी। तो मोदी 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 देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और इसलिए आपका बहुत ज्यादा फर्क नहीं। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।